उसके बाद करना क्या है, सिर्फ फिनिश दबा कर फोन आएगा, फोन आएगा लाल का पढ़ा लाल फोन आप कुछ हम बतिया चौधरी जी को मैं अपने तरफ से अपने संघर्ष पथ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में समय निकाल कर हमारे अध्यात्म के साथ खड़ा होने का आह्वान किया है। इसके बाद तत्पश्चात ममता सिंह प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव जी, प्रदेश संयोजक श्री प्रणय कुमार जी, प्रधान सचिव प्रदेश प्रधान सचिव श्री जमील अहमद विद्रोही, प्रदेश प्रवक्ता श्री त्रिवेद प्रसाद सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दाऊद अली जी और प्रदेश संगठन प्रभारी श्री वशिष्ठ प्रसाद जी जो कि परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के विभिन्न पदाधिकारी एवं तत्संबंधित योग्य एवं दक्ष नियोजित शिक्षक जो इस सभागार में उपस्थित है उनका भी मेरा हार्दिक अभिनंदन। इसके अलावा आज संपूर्ण बिहार को पूरे विश्व के साथ संयोजित करने वाले एवं पूरे विश्व की विचारधारा के साथ मिलाने वाले आम शिक्षक चौपाल के सभी साथियों का मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं पूरे बिहार के साथ साथ संपूर्ण विश्व के गुरु तक जिसे आज शिक्षक टीचर्स जो आज पूरे समाज के एक्सप्लॉइटिव कम्युनिटी शोषणकारी समुदाय के नाम से जाने जाते हैं उनको भी मैं नमन करता हूं कि वे आज हमारे साथ अधिकारिक तौर पर जाना। सबसे पहले मैं इस ये जो प्रोग्राम है पीसीएमएस परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ का शिक्षक अधिकार महापंचायत, अभी थोड़ा दिन पहले मैं यहाँ बैठा था तो मैं सोच रहा था कि इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या होगा, तो प्रोबेबली इसका ट्रांसलेशन हो सकता है टीचर्स राइट सेटलमेंट इन महापंचायत। पंचायत टर्म्स बहुत पुराना हम सभी जानते हैं और पंच परमेश्वर एक कहानी जो प्रेमचंद द्वारा लिखी उसे भी हम जानते हैं। यदि किसी अरे गहरे व्यक्ति को भी पंच बना दिया जाता है, पंच मतलब जज, आज की भाषा में जज कहा जाता है, किसी अरे गहरे व्यक्ति को भी यदि जज बना दिया जाए, जज मतलब एक महत्वपूर्ण पद, तो वहां उसके अंदर सोई हुई प्रतिभा जागृत हो जाती है जो पंच परमेश्वर कहानी द्वारा हम लोग पढ़ चुके। लेकिन आज परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं जो हमारे सामने है कि एक महत्वपूर्ण पद पर जैसे किसी व्यक्ति को आसीन किया जाता है तो उसके अंदर जो गुणवत्ता है जो गुण है वो एक सिरे से नदारद हो जाते हैं, इसको हम लोग देख चुके। आप सबों को पता होगा कि बिहार सरकार का बिहार विधानसभा का पिछला सत्र जो कि जिसका संबंधित वीडियो आपके मोबाइल में अभी भी वायरल है सेव होगा, उसमें क्या हुआ, सरकार के जो पदाधिकारी जो उत्तरदायी पदाधिकारी कभी कुछ बोलते हैं और कभी कुछ, खैर ये हम लोगों का यहाँ पर है जो कार्यक्रम है आप लोगों ने जो रखा है शिक्षक अधिकार महापंचायत, तो ये महापंचायत पंचायत नहीं बल्कि महापंचायत, और किसका है तो शिक्षक का। शिक्षक क्या होता है, सोसाइटी का सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति, वो व्यक्ति जिस पर समाज का भावी जनरेशन कैसा होगा इसकी जिम्मेवारी होती है। समाज तत्कालिक समाज 10 साल 20 साल के बाद कैसा होगा इस ये फॉर्मेशन की जिम्मेवारी जिस पर होती है उसको शिक्षक कहा जाता है, और समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग
उसके अधिकार संबंधी ये हम पंचायत है कि एक शिक्षक का क्या अधिकार होना चाहिए। और हमारी लड़ाई, हम सबकी लड़ाई लगभग इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट है, एक्चुअली ये जो महासभा है ये टीचर्स राइट ऑफ टीचर्स, शिक्षक का अधिकार। और बहुत सारे वक्ताओं को मैंने सुना, बहुत सारी बताए शिक्षकों को संगठित करने की, लेकिन यहां आवश्यकता है कि आप शिक्षक हैं कि नहीं, पहले विचार कर लिया जाए। सबसे पहला जो पॉइंट सर है, आप सभी शिक्षक हैं और हमारे शिक्षक प्रतिनिधि वीरेंद्र नारायण यादव जी और सरकार के मंत्री, पूर्व मंत्री भी यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा हम सभी पठन पाठन का कार्य करते हैं। आप सबको पता है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो जिसे डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र कहा जाता है, डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें अधिकार कहां से मिलता है? शिक्षक को अधिकार कहां से मिलता है? सरकार को अधिकार कहां से मिलता है? जज को कहां से अधिकार मिलता है? तो इसका सोर्स, एकमात्र सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और 1947 से पहले हम सब परतंत्र थे, आप सबको पता है। 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो डिसाइड हुआ कि अब यहां प्रजातंत्र रहे, और जो प्रजातंत्र चलेगी किससे चलेगी? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यही के जो सुपुत्र थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन कमेटी के प्रेसिडेंट भी बने और बाद में भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। तो सौभाग्य है कि हम लोग उन्हीं की जन्मभूमि पर आज यहां एकत्रित हुए हैं। तो आज जम कर इस पर ये चर्चा कर ली जाए कि हमारा और आपका अधिकार क्या है, किसका क्या अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन सबको अधिकार देता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो अधिकार देता है तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है रूल फॉर्मेशन बाय लेजिस्लेचर ऑफ डिफरेंट लेवल्स, विधायिका द्वारा नियम बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विधायिका मतलब आपको पार्लियामेंट और विभिन्न राज्यों के विधानसभाएं को ये राइट है, को कानून बना सकती, ठीक है। लेकिन कानून बनाते समय आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 पारा को आप पढ़ लीजिएगा, उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि भारत का संसद एवं विभिन्न राज्यों के विधानसभाएं कानून बना सकती है, लेकिन कानून बनाते समय उसे ये देखना पड़ेगा कि जो कानून बना रही है उस कानून द्वारा संविधान में प्रदत्त फंडामेंटल राइट के किसी एक पारा का वायलेशन नहीं होना चाहिए। यदि कि विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा फंडामेंटल राइट के किसी एक पारा का भी वायलेशन हो रहा है तो वो कानून नहीं रह सकता, ठीक है। इसके बाद लेकिन उसकी अगली पारा में बताया जाता है कि विधायिका, भारत का संसद या विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं यदि कोई जो कानून बनाती है वो कानून भारत के संविधान, विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सही माना जाएगा। कब तक सही माना जाएगा? तब तक सही माना जाएगा जब तक कि कोई पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में ये प्रमाणित नहीं करे कि इस कानून के इस धारा द्वारा हमारे इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। साथियों आप जानते ये है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ सर्विसेज। सरकार चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए बहुत सारी सेवाएं और उन सेवाओं के विषय में कानून बनाना पड़ता है और उसका कंडीशन निर्धारित करना पड़ता है। और सेवा और उसके सर्विस, कंडीशन ऑफ सर्विस बनाते समय ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को जिस कार्य के लिए डिप्यूट किया जाता है उस व्यक्ति को कम से कम हम इतना संसाधन, इतना सैलरी अवश्य दे कि वो अपना काम निर्विघ्न रूप से निरंतर कंटिन्यू कर सके। तो कंडीशन ऑफ सर्विस बनाते समय विधायिका को हमेशा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस काम के लिए जिस जो हम सर्विस बना रहे हैं वो सर्विस बिना किसी रोक के, बिना किसी हिंड्रेंस के वो कंटिन्यू चलता रहे। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट।
नेक्स्ट है हमारा अगला पॉइंट, एक्सप्लाइटेशन ऑफ टीचर्स और नियोजित टीचर्स बाय रूल 2006 एंड इट्स अमेंडमेंट्स। 2006 में आने से पहले, मैं थोड़ा पहले चलता हूं, तो 1990 में बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और 1990 से शिक्षा विभाग को ग्रहण लग गया। रेगुलर नियुक्ति इन द लाइट ऑफ कंस्टिट्यूशन लगभग बंद कर दी गई और उसका क्लाइमेक्स 2006 में आया। और 2006 में बिहार की विधायिका द्वारा एक रूल पारित कराया गया कि अब बिहार में शिक्षक कैसे शिक्षक रहेंगे। मैं इस मंच से बता दूं आपको कि 2006 रूल में क्या डिसाइड किया गया कि बिहार में अब कैसे शिक्षक रहेंगे। तो पूरे वर्ल्ड की पहली नियमावली 2006 में पास कराई गई जिसे निगेटिव नियमावली कहा जाता है, जिसमें ये मेंशन, अभी तक जो नियमावली बनाई जाती थी उसमें ये बताया जाता था कि किस सर्विस के लिए क्या दिया जाएगा। 2006 रूल जो है विश्व की पहली नियमावली है जिसमें ये बताया गया कि इस नियमावली के अंतर्गत कार्य करने वाले लोगों को क्या नहीं दिया जाएगा, जिसे निगेटिव नियमावली कहा जाता है। और इसमें बताया गया कि अब बिहार में सिर्फ नियत मानदेय प्राप्त करने वाले शिक्षक रहेंगे, जिन्हें 6,000 रुपया, 5,000, 6,000, 7,000 रुपया मानदेय दिया जाएगा। इनको क्या नहीं दिया जाएगा, तो आवास, महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता और किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। और साथियों आप सर्च करके देख लीजिए, ये विश्व की पहली ऐसी नियमावली है जिसमें ये मेंशन है कि ये नहीं दिया जाएगा। हमने अभी तक सर्च किया है तो कहीं हमें ये नहीं मिला है कि किसी नियमावली में ये मेंशन हो कि ये नहीं दिया जाएगा, इसलिए ये निगेटिव नियमावली है। अच्छा, इसके साथ ही साथ 2006 से पहले जो सुविधाएं शिक्षकों को दी जाती थी वैसे पद, जैसे वो शिक्षक रिटायर होंगे, सेवानिवृत्त होंगे, उनको उसमें समंजित कर दी जाएगी। अर्थात नियोजित जो नियमित शिक्षकों का पद था उसे धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाएगा। और उस समय मैं बता दूं कि दो एस्टेब्लिश संगठन बिहार में थे, माध्यमिक शिक्षक संघ और प्राथमिक शिक्षक संघ, जिनकी ये जिम्मेवारी थी कि इस शोषणकारी रूल का विरोध करें। लेकिन पता नहीं कुंभकर्ण जैसा शायद सो गए होंगे, कान में तेल डालकर सो गए होंगे, उनको पता नहीं होगा, जबकि इन दोनों एसोसिएशन के प्रतिनिधि विधायिका में उपलब्ध थे, लेकिन फिर भी उनकी सहमति से सरकार ने ऐसा शोषणकारी, असंवैधानिक और अमानवीय रूल 2000 में पास कर लिया। और कहा जाता है कि नियोजित शिक्षकों का शोषण, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, इस रूल द्वारा नियोजित शिक्षक का नहीं बल्कि संपूर्ण शिक्षक समुदाय का शोषण की प्रक्रिया शुरू हुई। और इसका लिटमस टेस्ट सिर्फ बिहार से शुरू हुआ और ये प्रक्रिया निश्चित रूप से यदि बिहार में नहीं रोकी जाएगी तो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाएगा और पूरे भारत में शिक्षक का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। शिक्षक के नाम पर सिर्फ नियोजित शिक्षक रूपी बंधुआ मजदूर रह जाएंगे। तो इस प्रकार से 2006 में रूल 2006 एंड इट्स अमेंडमेंट द्वारा बिहार सरकार ने शोषण शुरू किया और संबंधित संघ की सहमति से धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ी, नए नए संगठन बने। तो नए नए संगठन बनने के बाद वो जड़ को नहीं देखे और धीरे धीरे शोषणकारी जो प्रवृत्ति थी उसमें समाहित होते गए। आप सभी शिक्षक हैं, देखते होंगे हर एसोसिएशन, जो एस्टेब्लिश एसोसिएशन है, हर साल विधानसभा का घेराव, आर पार की लड़ाई साल में एक या दो बार निश्चित रूप से आयोजित करता है। और वो घेराव करने से पहले देगा कि ये आर पार की लड़ाई है, पटना चलो, और पटना जाकर क्या होता है, वो आर पार लड़ाई
कैसे एग्रीमेंट में बदल जाते हैं। उनका यदि समझौता पत्र देखिएगा तो समझौता पत्र में 25 मांग, 30 मांग, 35 मांग, 40 मांगे रहती है। और सरकार के प्रतिनिधि क्या ब्यूरोक्रेट्स को पटाकर उसके साथ नाश्ता पानी करके सभी शिक्षकों के साथ रिटर्न हो जाते हैं, और आपका जो चंदा का पैसा है वो उनके नाश्ता पानी में चला जाता है। ये प्रक्रिया 2006 से अभी तक चल रही। दुर्भाग्यवश, मैं सौभाग्य नहीं मानता हूं, मैं दुर्भाग्य मानता हूं कि दुर्भाग्यवश हमारे जैसे कुछ शिक्षक की सेवा में आ गए जो आज बिहार सरकार की किरकिरी बने हुए। और हम लोग शिक्षा विभाग के विभिन्न एसोसिएशन की नौटंकी, जो पहले आर ब्लॉक चौराहा में होता था अब गर्दनी बाग में होता है, वो उस नौटंकी को देखने लगभग जाते थे। अगल बगल में चाय दुकान पर, पान दुकान पर बैठ कर नौटंकी देखते थे, फिर चले आते थे और उस पर अध्ययन करते थे क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कैसे किया जाए। कंस्टिट्यूशन तो हम लोग पढ़ चुके थे, कंस्टिट्यूशन था, वकील थे, कंसल्टेंसी किए कि भाई क्या है, अब शिक्षक नहीं रहेंगे, शिक्षक क्या बिहार में शिक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्या शिक्षकों के नाम पर बंधुआ मजदूर खटेंगे। तो सर इस प्रकार से करते करते 2009 आया। 2009 में एक स्टेब्लिश एसोसिएशन ने उसके संघ को पटाकर हम लोग किसी प्रकार एक केस करवाए 17176/2009, जो केस तो कर दिया गया, लेकिन केस करने के बाद उस एसोसिएशन के जो पदाधिकारी थे, शीर्षस्थ पदाधिकारी थे, वो सो गए, कुमकर्णी निद्रा में सो गए। दो साल के बाद केस एडमिट हो गया। मिला जुला कर 2013 में हम लोगों को लगा कि कुछ करना चाहिए, नेक्स्ट हमें जो बातें बतानी है। तो इस प्रकार से 2006 से अभी तक तत्काल तक हमारा एक्सप्लॉयटेशन आप देख रहे हैं चल रहा है, हम भी शोषित हो रहे हैं, आप भी शोषित है। शोषण का आधार क्या है? एकमात्र नियोजन। शोषण का क्या आधार है? नियोजन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम माध्यमिक में है, हम उच्चतर माध्यमिक में। हम कहते हैं कि आप अपने गले में उच्चतर माध्यमिक का माला पहन लीजिए, लेकिन आपको मिलता क्या है? आज जो सेवेंथ पे का आपका ये होता है, अंडर पे फिक्सेशन हो रहा है, उसमें आप देखेंगे कि जो 2002 के शिक्षा मित्र थे उनका पेमेंट प्लस टू से अधिक बन रहा। तो कहने के लिए प्लस टू का तमगा हासिल कीजिए, लेकिन सरकार आपको चपरासी के नीचे मानती है, आप चपरासी से जूनियर हैं। बिहार सरकार की नजर में आप चपरासी से भी गए गुजरे हैं। चपरासी को 40,000 पेमेंट और आपको सेवेंथ पे के आलोक में 25,000, आप समझ सकते हैं कि क्या है। कहने के लिए आप जो भी कहिए। तो इस प्रकार से एक नियोजन नियमावली जो हमारी मुख्य बीमारी है, अब इसका इलाज हमें ढूंढना था। 2013 में हमने इसका इलाज ढूंढा और उस इलाज के तहत हम एक डॉक्टर के पास गए। उस डॉक्टर का नाम हाई कोर्ट पटना, उच्च न्यायालय पटना। उस डॉक्टर के पास गए बीमारी लेकर और हमने कहा कि भाई देखिए 2006 से हमको ये बीमारी लगी है, इसका इलाज चाहिए। और जो रोग का सिम्टम्स था वो बताया गया। 3-4 साल से उसका पूरा गहन छानबीन किया गया, डायग्नोसिस किया गया। और 31 अक्टूबर 2017 को जो मुख्य डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, जज जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होता है, वो डॉक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो जो बिहार का मुख्य चिकित्सक है उसने हमारी रोग को पहचाना और उसके रेस्पेक्ट में ये 92 पेज का डायग्नोसिस दिया है, 92 पेज का। आप लोग पढ़ चुके हैं, 92 पेज बहुत बड़ा है, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। 64-68 इसका ऑपरेटिव पार्ट है, 64-68 पढ़िएगा। यदि कहीं कंफ्यूजन होगा तो हमें फोन पर बात कर सकते हैं। एक जो मिडिल प्राइमरी इस तरह की यहाँ आने पर भी चर्चा आई तो मैं बता दूं, एज जजमेंट सब पर समान रूप से प्रभावी है। 67 पारा को मैं कोट करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, इस सभा में। दिस डिसीजन इज एप्लीकेबल टू ऑल द नियोजित शिक्षक
irrespective of the fact that they have been appointed in the secondary or plus two or primary school, in the nationalized school or other schools, in the respective gram panchayat or nagar panchayat under the scheme of 2006 rules and amended from time to time. ये पटना हाई कोर्ट का जजमेंट 2013 में हमने एक केस किया पटना हाई कोर्ट में जिसका नंबर था CWJC 2199/2013 और जिसका मूलभूत पॉइंट क्या था कि बिहार सरकार ने 2006 में जो नियमावली बनाई है उस नियमावली के अंतर्गत आर्टिकल 14, 16, 21, 23 ये चार फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, इसलिए हमें सभी सुविधाएं नियुक्ति की तिथि से दी जाए, नियमावली की उन सभी धाराओं को अल्ट्रा वायरस कर हमें सभी सुविधाएं नियुक्ति की तिथि से दी जाए। हमने कहीं सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी का केस नहीं किया, किसको किया है? नियोजन अगेंस्ट नियोजन नियमावली, नियोजन नियमावली के वैलिडिटी को चैलेंज किया। और इस मंच के माध्यम से मैं बता दूं कि 2006 रूल और उसके संशोधित स्वरूप के अंतर्गत जिनकी बहाली हुई है उन पर ये जजमेंट समान रूप से प्रभावी है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। चलिए अब आगे, 31 अक्टूबर 2017 को पटना हाई कोर्ट ने जब बहस चल रही थी तो वहां पर एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार गवर्नमेंट ललित किशोर जी अवेलेबल थे, बहस चल रही थी, बहुत बहस में बहुत सारी बातें आई। एक समय उन्होंने कहा कि सर आप कंपेयर, ये लोग 2006 से पहले के शिक्षक से कंपेयर कर रहे हैं, जबकि 2006 ने बिहार सरकार को पुराने शिक्षकों का पद समाप्त कर दिया है, वो डाइंग कैडर है, और 2006 में सरकार ने एक नया रूल लाया और उस रूल के तहत इनकी बहाली हुई है, इसलिए इनका कंपेयर पुराने शिक्षकों से नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में उन्होंने पटना हाई कोर्ट का दो चार पटिशन भी दिया, एक बंसीधर ब्रजवासी जी का नाम सुने होंगे आप लोग, उनका पटिशन 15 मई 2017 को खारिज हुआ था, वो अजय कुमार त्रिपाठी और नीलू अग्रवाल के बेंच में था, उस दिन हम लोग भी कोर्ट में अवेलेबल थे। वो मैटर था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का, समान काम के लिए समान वेतन। और खेहर सिंह का डिसीजन पिछले साल 2016 में आने के बाद सभी शिक्षक नेता और सभी शिक्षक उत्साहित थे कि खेहर सिंह के डिसीजन के आधार पर हम तीर मार लेंगे, हमें सब सुविधा मिल जाएगी। हमें तो ताजुब लगता था उस समय जबकि सभी संघ अपने अपने पैड पर मुख्यमंत्री को लिख के दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के न्याय निर्णय के आलोक में हमें समान काम का समान वेतन दिया जाए, ये परिकल्पना कर रहे थे। ब्रजवासी जी काफी उत्सुक तरीके से अपने केस को आगे बढ़ाए और 15 मई को जब बहस शुरू हुई तो अजय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि भाई देखिए पुराने शिक्षक का तो कंडीशन ऑफ सर्विस अलग है, सिलेक्शन प्रोसेस अलग है, एस्टेब्लिशमेंट अलग है, आपका जो अलग है सिलेक्शन प्रोसेस अलग है, काम तो आपका एक है लेकिन जो सिलेक्शन प्रक्रिया अलग है, इसलिए आप लोगों में समानता नहीं हो सकती है। और उन्होंने उनके केस को खारिज कर दिया और हिंदी में उन्होंने कमेंट क्या किया कि काम के प्रवृत्ति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर टू अनइक्वल्स आर नॉट ट्रीटेड एज इक्वल, काम के नेचर के आधार पर हम समानता नहीं दे सकते। और उन्होंने गधा और बैल का उदाहरण दिया। अजय कुमार त्रिपाठी ने पटना हाई कोर्ट में कहा कि गधा और बैल दोनों का काम काम करना है, बोझ ढोना, गधा भी बोझ ढोता है बैल, लेकिन बोझ ढोने के आधार पर गधा और बैल को हम इक्वल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इस केस को उसी आधार पर खारिज कर दिया। लेकिन जब 31 अक्टूबर 2017 को बहस चल रही थी तो ललित किशोर जी और बिहार सरकार के जितने ब्यूरोक्रेट थे उसी डिसीजन को लेकर पूरी तरह से प्रोत्साहित थे, अजय कुमार त्रिपाठी तो खारिज कर ही दिए हैं, इसमें क्या होगा, ये भी तो खारिज हो जाएगा। 31 अक्टूबर को जब बहस चल रही थी तो ललित किशोर जी ने काफी अपना सीना चौड़ा करके उस पटिशन को 15 मई को जो खारिज हुआ था उसको आगे बढ़ाया कि सर आप देखिए ना डबल बेंच इन लोगों के मैटर को खारिज कर चुका है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का जो मामला था उसे खारिज कर चुका है। उस समय डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय जो सेकेंड जज थे उन्होंने कहा मिस्टर लर्न्ड काउंसिल
दिस रीट पटिशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रीट पटिशन, दिस इज वैलिडिटी ऑफ एक्ट एंड वी ऑल आर हियर असेंबल्ड टू चेक द वैलिडिटी ऑफ योर रूल which had been framed by Bihar legislature in 2006. अर्थात माननीय विद्वान अधिवक्ता, आपको पता होना चाहिए कि ये रीट पटिशन दूसरे रीट पटिशन से अलग है. हम लोग इस रीट पटिशन के अंतर्गत आपने 2006 में, आपकी विधायिका ने 2006 में जो रूल बनाया है उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए उपस्थित हुए हैं, और उस पर आपको जो चीफ जस्टिस का था, चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन का कमेंट था, उन्होंने कहा कि मिस्टर लर्न्ड काउंसिल यू शुड नो दैट द टीचर इज द रोल मॉडल ऑफ आवर सोसाइटी एंड अकॉर्डिंग टू योर रूल 2006 टीचर इज एग्जिस्टेड बिलो द फोर्थ ग्रेड इम्प्लाई अकॉर्डिंग टू यू दिस इज वैलिड रूल दिस इज नॉट दिस इज डायरेक्टली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विथ प्रेस्टीज एंड डिग्निटी. हमारे जो मुख्य चिकित्सक थे राजेंद्र मेनन जी ने, उन्होंने कहा कि आपने 2006 में रूल बनाया ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि इस टीचर समाज का रोल मॉडल होता है, वो सोसाइटी का निर्माता होता है, और आपके रूल के अनुसार सोसाइटी का जो फॉर्मर है, निर्माता है, वो चपरासी से नीचे है, और आपके अनुसार ये सही रूल है. दिस इज डायरेक्टेड आर्टिकल 21, और ऐसा रूल जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे ये कभी रूल नहीं हो सकता, और आर्टिकल 14 और 21 के वायलेशन के आधार पर 31 अक्टूबर का जजमेंट आया. अब दूसरा फेज है कि बिहार सरकार को 2006 से शोषण करने की आदत पड़ चुकी है. आपको मैं बता दूं कि हाई स्कूल में 30,000 सेंक्शन पोस्ट 2006 में था, 2006 में हाई स्कूल में उच्च विद्यालय में 30,000 और बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में 1,77,000 पोस्ट सैंक्शन पोस्ट है. इन सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट सेंट्रल से आए 60% के एवज में आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, और उस पैसा को डाइवर्ट करके विभिन्न प्रकार के वोट खरीदने वाली नीतियां लागू की जाती है, इसकी आदत पड़ चुकी है. अब इनको लगा कि इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने में हमें अब वोट खरीदने वाली नौटंकी बंद करनी पड़ेगी. तो बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट गई है, 20/2018 सुप्रीम कोर्ट. अभी आज हमारे वकील से बात हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के अंतर्गत क्या बिहार सरकार द्वारा कौन कौन सा प्वाइंट रखा गया है, तो हमारे वकील ने बताया कि लगभग सर प्वाइंट तो वही है जो पटना हाई कोर्ट में था, लेकिन उसका सारांश यही है कि पटना हाई कोर्ट ने में हमने जो बातें रखी वो बात पटना हाई कोर्ट सीरियसली नहीं लिया, रीजनेबली नहीं लिया. हमने जो क्लासिफिकेशन किया बिहार में शिक्षक के बदले शिक्षक के आधार पर बंधुआ मजदूर हम रखना चाहते थे, इसको ये गलत मान रहा है. बिहार में हम शिक्षकों को चपरासी से नीचे मानना चाहते रखना चाहते थे, तो पटना हाईकोर्ट इसको गलत मान रहा है. इसलिए और सर वहां पर रिक्वेस्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि सर यदि शिक्षक को शिक्षक मानने में, शिक्षक को शिक्षक का मान्यता ना देने में हमें अपने वोट खरीदने वाली पॉलिसी बंद करना पड़ेगा, इसलिए हमें कम रहम खाकर हम पर ये छूट दिया जाए कि हम शिक्षक के स्थान पर बंधुआ मजदूर खटाएं, शिक्षक के आधार पर शिक्षक को शिक्षक के पेमेंट के स्थान पर हम बंधुआ मजदूरी दें, और अपने वोट खरीदने वाली पॉलिसी को हमेशा अछूत बनाए रखें. तो यही एसएलपी लेकर बिहार सरकार गई है. लगभग जो पटना हाई कोर्ट का नॉर्म्स है वही वहां सुप्रीम कोर्ट में भी है. इनको सुप्रीम बिहार सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव है, ब्यूरोक्रेट है, इनको ऐसा लग रहा है कि पटना हाई कोर्ट इनका दुश्मन है, पटना हाई कोर्ट के जो जज हैं इनके दुश्मन है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इनके रिलेटिव है, वो इनके मुद्दे को मान लें. तो इस प्रकार से बिहार सरकार और उसके संबंधित पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लेकर इस जजमेंट के अगेंस्ट गए. अब सवाल उठता है
कि समसामयिक परिस्थिति पर आया जाएगी, आज क्या किया जाए। तो आज आप लोगों को पता है कि बिहार में शिक्षक हैं, शिक्षक जैसा हमने बताया कि सैंक्शन पोस्ट आपका 30,000, सैद्धांतिक तौर पर मैं बता रहा हूं, चूंकि बिहार सरकार के माननीय रिप्रेजेंटेटिव, पूर्व रिप्रेजेंटेटिव और वर्तमान रिप्रेजेंटेटिव हमारे बीच मौजूद है, बहुत सारी हमें बुराइयां कर चुके, लेकिन मैं सैद्धांतिक बात कुछ थोड़ा बता देना चाहता हूं। 2006 की बात मैं कर रहा हूं, वर्ष 2006 में बजट हमारा बिहार सरकार का बजट कम था, लेकिन वर्ष 2006 में बिहार की अर्थव्यवस्था ऐसी थी जो 30,000 हाई स्कूल के शिक्षकों को वेतनमान दे सकती थी और 1,77,000 मिडिल प्राइमरी शिक्षकों को वेतनमान दे सकती थी। 2006 की ये बात कर रहा हूं, आज की नहीं। 2006 में बिहार सरकार का क्या बजट था और आज 2017 में क्या बजट है, और बिहार सरकार यही एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में देने जा रही है कि 2017 में बिहार की अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई है कि शिक्षकों को वेतनमान देने में हम दिवालिया हो जाएंगे। और मैं तो चाहता हूं आपको, मैं बता दूं कि सरकार आपको बरगला कर सकती है, मीडिया में न्यूज दे सकती है, आपको संबोधित कर सकती है, लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं कर सकती। जिस दिन बिहार सरकार कोर्ट में लिखित दे एफिडेविट दे दे कि हम वेतन देने में असमर्थ हैं, आप गांठ बांध लीजिए, उसी दिन बिहार में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो जाएगी, नीतीश बाबू को इस्तीफा देकर घर में बैठना पड़ेगा। ये इनके संवैधानिक मजदूरी है। यदि आप पेमेंट नहीं, आप ऐसे ऐसे एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आप अपने घर में काम करा रहे हैं, राजमिस्त्री का 500 वेतन है, 500 पर डे लेता है, आप दिन भर उसको उससे काम कराइए और जब शाम हो तो कहिए कि देखो ना हम गरीब हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, और 500 के बदले तुम 100 रुपया ले लो, 100 रुपया लेकर चले जाओ। क्यों कहेगा क्यों? अब तो देखो ना हम गरीब हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, क्या हाल करेगा आपका? ऐसा नौटंकी करेगा कि पूरा मोहल्ला जुट जाएगा, आपको अपना गहना भी बंधक रखकर उसका मजदूरी चुकाना पड़ेगा। यही नीतीश बाबू की है, 13 साल से शिक्षकों का जहां 40,000 पेमेंट है वहां 10,000-12,000 पर खटा रहे हैं। अब जब समय आया कि सब जोड़ कर दीजिए तो रोना रो रहे हैं, कहां से देंगे, हम दिवालिया हो जाएंगे। जब दिवालिया हो जाएगा तो आपको ये नहीं पता था, तो अपना काम क्यों कराए? जो कोई भी रिजनेबल पर्सन रहेगा, मान लीजिए 10 दिन आप किसी लेबर से काम कराए, पेमेंट देने की बात आई तो आप कह रहे दिवालिया हो जाए, तो कोई भी व्यक्ति यही पूछेगा कि भाई जब आपको पता था कि 500 इसकी मजदूरी है, 10 दिन आप काम कराए तो आप दीजिए, जहां से देना है दीजिए। तो देखिए बात यही है। अब सवाल यहां उठता है कि क्या किया जाए। आपको पता होगा कि बिहार में 3.5 लाख शिक्षक है, 2 एसोसिएशन तो पहले से है और बाकी लालू जी ने करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र को 2002 में, आज एसएलपी में हमने देखा कि उसको भी कोट किया है। आयुको मैं बता दूं कि शिक्षा मित्रों को यह किया है कि बाई एजुकेशनली इनकम्पिटेंट थे और 2006 में हमने इनकम्पिटेंट बनाया, इनको नियोजित शिक्षक बनाया, इसलिए इनको पुराने शिक्षक से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। वो अपनी ही बात को खुद काट कर रहे हैं कि एक तरफ इनकम्पिटेंट है, 2006 में कंपिटेंट बना दिए, और 2006 में यदि बाकी को आप कंपेयर कर सकते हैं तो इनको क्यों नहीं कर सकते? तो यहां कोई चलने वाली नहीं है। लेकिन मैं अब समसामयिक परिस्थिति बता दूं, ये शिक्षक लोगों के लिए है, शिक्षक प्रतिनिधियों के लिए है कि 2 एसोसिएशन तो पहले से थे और 2006 से 17 के बीच में आप यदि गणना कर ले तो नंबर ऑफ एसोसिएशन बहुत सारे हो चुके हैं, ठीक है। जब 17 अक्टूबर 2016-17 में हमारा केस लाया लाइन पर, बहुत शुरू हुई, तो विभिन्न संघों वालों को लगा कि ये तो लगता है कि सबको स्केल मिल जाएगा, स्केल मिल जाएगा, तो स्केल का मतलब आप देखते होंगे कि जो पुराने शिक्षक हैं किसी भी संघ के किसी कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। अब सभी संघ वालों को लगा कि जब सबको वेतनमान मिल जाएगा तो हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी, तो सब ने अपना अपना एक केस करके हमारे केस के साथ अटैच करा दिया। 31 अक्टूबर का जो रेजिमेंट आया तो सब कह रहे कि देखो ये हमारा। लेकिन जो समझदार शिक्षक है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, वो
सोशल मीडिया यदि नेट पर सर्च करता है, नंबर डालता है उनका, तो डिसीजन CWJC 21199 2013 का आता है, तब वो समझ जाता है कि क्या कर रहे हैं। तो साथियों, यहाँ जो संघर्ष है, संघर्ष में बहुत तरह की विसंगतियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मान के मानकर चलिए कि डिफरेंट एसोसिएशन जो बहुत सारे केस करके इसमें अटैच हुए हैं, वो आप जजमेंट के लिए नहीं, जजमेंट तो हम लोग ला चुके, केस हम जीत चुके, पटना हाईकोर्ट बता चुका है कि बिहार के नियोजित शिक्षक सही है, इनका डिमांड सही है, संवैधानिक है, बिहार सरकार गैर संवैधानिक काम कर रही है, अब इसको इम्प्लीमेंटेशन की बारी है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जो मुख्य गार्जियन है उसके पास गए हैं कि भाई कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करें, तो वहां हमें थोड़ा सा रोल निभाना है और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इस काम में जो बाधाएं हैं उस पर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यहाँ डिफरेंट एसोसिएशन अलग अलग केस करके अपनी दुकानदारी बचा उस समय की कल्पना कर रहे हैं जबकि सबको वेतनमान मिल जाएगा तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी, इसकी उनको चिंता है कि यदि सबको वेतनमान मिल गया तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी। तो जो केस वो अटैच कराए हैं उसी को दिखाकर कहेंगे कि देखो ये जो जजमेंट आया है इस जजमेंट में हमारा भी हमारे एसोसिएशन का रोल था, उनको जजमेंट लाने के लिए वेतनमान दिलाने की जिम्मेवारी नहीं। तो इसलिए ये जो हमारे संघर्ष पथ के विभिन्न एसोसिएशन वाले मठाधीश राहु हैं इनसे हमें होशियार रहना होगा। और आपको मैं बता दूं कि ये संघर्ष पथ में ऐसे एसोसिएशन और ऐसे लगभग 80% ऐसे लोग 75-80% ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो या तो किसी संघ के पदाधिकारी हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, या उसके ब्लाइंड फॉलोअर हैं। हमारे पास परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ जैसा बहुत एक दो एसोसिएशन है और कुछ गिने चुने मात्र 20-25% कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट नियोजित टीचर्स हैं जो इस लड़ाई को सही मायने में समझ रहे हैं और ये उन्हीं की लड़ाई है। ये लड़ाई सिर्फ वैसे नियोजित शिक्षकों की है जिनको नियोजन खटकता है, उनके व्यक्तित्व पर कलंक लगता है और जिनमें इस कलंक से लड़ने की क्षमता है और वो आज हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। ये उन्हीं की लड़ाई है और उसी में आपका परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ भी हमारे प्रणय जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में आज हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहने के लिए सदैव तत्पर है। साथियों, यदि आप अपना नया भविष्य बनाना चाहते हैं, अपने आप को शोषण से मुक्त रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जो कि मुख्य डॉक्टर ऑफ कंस्टिट्यूशन है, जहां की आपकी याचिका जा चुकी है, वहां बहुत संघर्ष पटना हाईकोर्ट से उसका जो डिफिकल्टी लेवल है बहुत ऊपर। मैं आपको बता दूं कि यहां तो मुश्किल से हम लोग हंसते खेलते जीत लिए, लेकिन वहां ऐसी नहीं। जो अभी कल हम एक मीटिंग बुलाए थे पटना में, वकीलों का देखा, अपना कॉपरेशन अमाउंट का खर्चा देखा, तो ये वास्तव में वो जो बजट है सुप्रीम कोर्ट का बजट हमारे बियंड द लेवल है। लेकिन उसके लिए यदि आप लोगों को ये सोचना होगा कि कैसे हम करें, और वहां सुप्रीम कोर्ट में आपको 50,000 से लेके 50,00,000 तक के वकील हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रगल में कहां रखते हैं। आप जैसा हमें जिस स्थिति में रखेंगे उस स्तर की लड़ाई हम वहां लड़ेंगे। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि यदि आप हमें समर्पित समर्पित भी उसे ईमानदारी पूर्वक कोऑपरेट करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो जजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन है, पटना सुप्रीम कोर्ट से आवश्यक रूप से हम हासिल करेंगे। क्योंकि हमारा दावा सही है, हमारा मुद्दा सही है, कंस्टिट्यूशन हमारे साथ है, पटना उच्च न्यायालय हमारे साथ है और बिहार सरकार के जितने कॉम्पिटेंट ऑफिसर है वो हमारे साथ है। कौन साथ नहीं है? तो जो अयोग्य बिहार सरकार के वैसे पदाधिकारी जो अयोग्य हैं, जो कंस्टिट्यूशन को नहीं समझ सकते। इसको मैं बता दूं कि हिंदी स्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई लिखा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय भूल नहीं भय आस,
राज धर्म तन तीनी का होई बेगही नाश। आज हमारे सुशासन बाबू को वही स्थिति है। आज यदि वो ये कह दे कि लगता है कि सूर्य पूर्व में नहीं आज पश्चिम में उगा, उनके जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं किसी में क्षमता नहीं है कि वो ये कह दे कि नहीं सर आप यू आर रॉन्ग, ऑलवेज सनराइजेज इन द ईस्ट, ये कहने की किसी में क्षमता नहीं है। यदि वो कह दे कि पश्चिम में उगता है, हाँ सर पहले पूर्व में उगता था अब पश्चिम में उगने लगा, और उसके लिए सर जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं उसके अंतर्गत एक लेटर इशू कर देंगे, उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के अंदर एक लेटर भी इशू कर देंगे कि अब सूरज पहले पूर्व में उगता था अकॉर्डिंग टू सी ऑनरेबल सीएम बिहार, सन राइजेज इन द वेस्ट। ये परिस्थिति आज अभी कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि किसी एक पदाधिकारी ने निकाल दिया कि शिक्षक निरीक्षण करेंगे, सुबह शाम टॉयलेट करने वाले लोगों का निरीक्षण करेंगे, पूरा विश्व में इसकी तोहिनी नहीं। तो ऐसे ऐसे पदाधिकारी हैं और ऐसे ऐसे सलाहकारों के आधार के कारण ही ये आपका रूल 2006 इट्स अमेंडमेंट हुआ। आप माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी यहां अवेलेबल हैं, किसी भी सभ्य समाज में जिसको लाठी चलाना है, जिसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, जिसे पुलिस कहा जाता है, उसकी वैकेंसी के लिए उसकी बहाली के लिए टेस्ट लिया जाता है, वो भी निगेटिव टेस्ट, और जिस वैसे शिक्षक समाज का वो व्यक्ति, समाज का वो समुदाय जो समाज का फॉर्मर है, मॉडल है, जिस पर कि समाज को बनाने की जिम्मेवारी है, जिसको हमेशा पढ़ना लिखना है, उसके लिए किसी टेस्ट की आवश्यकता नहीं क्या? तो ऐसे ही चटुकार ब्यूरोक्रेट का ये नमूना रूल 2006 जिसे नियोजन नियमावली एंड इट्स अमेंडमेंट कहा जाता है, जिस पर कि हम लोग विजय हासिल किए हैं। तो भाइयों बहुत सारी बातें कह चुके, संबंधित लोग को लगा होगा, बुरा भी लगा होगा, भला भी लगा होगा, लेकिन एक बात है, एक प्रोवर्ब है, हिंदी में प्रोवर्ब है, जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जिसके पैर जिसको दर्द नहीं हो, जिसको दर्द उसी को होता है और उसी महसूस उसी को होता है, तो इसलिए हम सभी पीड़ित हैं, एकमात्र बीमारी नियोजन से पीड़ित है और नियोजन उन्मूलन हमारा पहला टारगेट, और इस उन्मूलन में आप सबको मैं संबोधित करते हुए ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। लेकिन क्या सिर्फ हमारा शोषण हो रहा है? क्या सिर्फ उपेंद्र राय का शोषण हो रहा है? क्या सिर्फ उपेंद्र राय को कम मजदूरी मिल रही है? जितना हमारा शोषण हो रहा है उतना आप सबका हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यह जो रूल इंप्लीमेंट होगा तो क्या मिलेगा आपको पता है? मोर देन 3 times पेमेंट और 25 से 30 लाख एरियर। कुछ शिक्षक ये कहते हैं कि सर सरकार कहां से देगी, सरकार दिवालिया हो जाएगी। माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, तो मैं उनको पूछा आपको ये पता है कि सरकार के पास क्या है? सरकार के पास क्या है, कितना खजाना है, आपको पता है? सरकार की आपको चिंता है? सरकार सर अपने आप में सक्षम है, सरकार को जो खर्च है उस खर्च को पूरा करने की कैपेसिटी उसकी उसी में निहित है, कहीं बाहर नहीं है। सरकार इसके लिए है जितना खर्च करना है उसको वो क्रिएशन फंड क्रिएशन कर सकती है, उसके लिए कुछ नहीं तो टैक्स लगा देगी। टैक्स लगाने का पावर किसको है? क्या टीचर के पास है? टैक्स लगाने की जिम्मेवारी सरकार पर है। तो सरकार को ये डिसाइड करना है कि खर्च कितना करना है, और जितना खर्च करना है, जितना व्यय है, उतना वो आमदनी क्रिएट क्रिएशन की जिम्मेवारी भी उसकी है। तो ये किसको उल्लू बना सकती है? ये जो बेवकूफ है उनको उल्लू बना सकती है। कोर्ट में जाके बोलेगी, अभी तो पटना हाईकोर्ट में फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट बोली थी, तो डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय ने कहा कि सर कॉन्स्टिट्यूशन आपको इसकी जिम्मेवारी नहीं देता है, इसकी छूट आपको नहीं देता है। अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट यू कैन नॉट वायलेट द फंडामेंटल रूल ऑफ एनी पर्सन।
संविधान में क्लियर है कि वित्तीय सीमितता के आधार पर आप किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। सरकार आय व्यय करने के लिए और जितना व्यय है उतना क्रय इनकम क्रिएट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जो सरकार ये करने में नाकामयाब होगी उस वो सरकार अस्तित्व में नहीं रह सकती। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस दिन सरकार ये कह दे कि मैं पेमेंट नहीं दे सकता उसे दिन फाइनेंशियल इमरजेंसी बिहार में लागू हो जाएगी। इसलिए सरकार कभी भी कोर्ट में नहीं कह सकती है। तो मैं बहुत सारी बातें कह गया, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अंत में मैं आप सबों से गुजारिश यही करूंगा कि आप सभी नियोजित क्या है, नियोजित हैं। और हमारी बीमारी का मात्र एकमात्र कारण नियोजन, विभिन्न संघ वाले हमें डाइवर्ट करते हैं, कोई प्राइमरी है सेकेंडरी है कोई, ऐसे भूल में नहीं पड़ना है। नियोजन उन्मूलन हमारा एकमात्र उद्देश्य है और उसके लिए हम सभी प्रतिबद्ध हो। आज संघ शिक्षक का अधिकार कार्यक्रम के अंतर्गत हम संकल्प लें कि जब तक इस नियोजन रूपी कलंक को मिटा नहीं लेते हैं तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। तो ऐसे इन्हें चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और एक बार पुनः आपसे अपील करना चाहूंगा कि इस नियोजन उन्मूलन महासंग्राम में आप हमेशा कदम से कदम चलाकर दिन रात तब तक तत्पर रहे जब तक कि इसकी पूर्णाहुति सुप्रीम कोर्ट में हम लोग नहीं दे देते हैं। धन्यवाद।